1972 के आसपास गोयनका जी महान संत विनोबा भावे से मिले। विनोबा जी ने कहा, अगर विपश्यना का प्रभाव बच्चों और कैदियों पर साबित होता है तो मैं उसकी महानता को स्वीकार कर लूंगा। सम्राट अशोक के काल का साहित्य लुप्त हो जाने के कारण विनोबा जी को यह ज्ञात नहीं था कि उस काल में कारावासों में विपश्यना नियमित कराई जाती थी। जो छोड़ने लायक हो उनको सुधार कर छोड़ा जाता था, जो छोड़ने लायक नहीं हो दंड देना हो तो भी जितना सुधर सके उतना सुधार करके उनको दंड दिया जाए, मृत्यु का दंड दिया जाए। कितना बड़ा परिवर्तन। और ये विद्या ऐसी है कि परिवर्तन आता ही है, काम करे आदमी तो परिवर्तन आता ही है। राजस्थान सरकार के तत्कालीन गृह सचिव श्री राम सिंह जी के अथक प्रयास से जेलों में पहला कोर्स अक्टूबर 1975 में जयपुर सेंट्रल जेल में लगा। शिविर लगा, कुछ लोग ऐसे थे जिनको मृत्युदंड दिया गया तो वो एक एक सॉलिटरी सेल में बंद हैं। शाम को जो प्रवचन होते थे उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता था तो वो लोग अब जा नहीं सकते, तो उन्होंने कहा, उनमें से एक ने कहा, सरदार था वो, कि कहा गुरु महाराज जो कहिए कि हमको यहां आकर कुछ सिखा दे, कितना सीख पाएगा। लेकिन अब बेचारे को मृत्यु दंड मिला है, कुछ दिनों के बाद तो इसे फांसी होने वाली है। तो गया मैं उसे सिखाया, बहुत व्याकुल। जिस आदमी को मृत्यु दंड मिला सोच के देखो उसकी मन की कैसी अवस्था होगी, कितना व्याकुल कितना व्याकुल। उसे आनापान दी और ऐसा हुआ 3 दिन के बाद तैयार हो गया, विपश्यना भी दे दी। अब बताते हैं जिन्होंने उसे फांसी पर ले गए लटकाने के लिए, इतना मुस्कुराते हुए जाता है, अरे हमारा परलोक सुधर जाएगा, हम मरने से डरने वाले नहीं। कितना बड़ा परिवर्तन आया, कभी ये देश में होता था इस प्रकार? जयपुर और वडोदरा की जेलों में सफल कोर्स लगने के बाद एक विशाल कोर्स भारत की सबसे बड़ी जेल तिहार में लगा। इस ऐतिहासिक शिविर में 1000 कैदियों ने भाग लिया और उसका संचालन स्वयं गोयनका जी, माता जी और 13 सहायक आचार्यों ने किया। उन्होंने कहा एक बात का ख्याल करना, जो इनमेट्स को भोजन वगैरह मिलता है आपको वही भोजन करना है, कुछ भी बाहर से मंगवाना नहीं है, और आप कुछ लाए हो तो उसका दुरुपयोग नहीं करना है। इस बड़ी सफलता के कारण आज भी यहाँ नियमित रूप से विपश्यना कोर्स लगते हैं और सुखद परिणाम आते हैं। इस अत्यंत सफल कोर्स पर एक सराहनीय फिल्म डूइंग टाइम डूइंग विपश्यना बनी और विश्व के कई जेलों में विपश्यना अपनाए जाने का कारण बनी। वी केम इन विद द ब्लेसिंग ऑफ किरण बेदी द चीफ ऑफ तिहार जेल्स हु दे अडोर्ड एंड एडमायर्ड। इट वाज द लास्ट डे ऑफ द कोर्स इन तिहार दैट वी मेट मुस्तफा द सोमालियन मेडिटेटर, आस्क हिम टू सिट फॉर एन इंटरव्यू। And as he was talking about his experience in Dhamma, we realized we have a film. We made Doing Time, Doing Vipassana. It was a success. It drew many people to Vipassana. तिहार जेल के अनुभव के बाद भारत के गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा कि भारत भर की जेलों में विपश्यना सिखाई जाए। अशोक जेल में 74 कोर्सेज हो गए 4 साल में, वहां जिनके कोर्सेस हो गए थे, रोज प्रैक्टिस चल रही थी। हम लोगों ने उस समय उनको टेप रिकॉर्डर दिए थे, जब उनका सनसेट के बाद उनको बंद कर रहे थे तो उसके अंदर वो रोज रात में वो डिस्को सुनेंगे, चैंटिंग सुनेंगे। ऐसे एक बैरक में वो 70-80 लोग रहते हैं तो उसमें से मिक्स रहता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो, जिन लोगों ने कोर्स किया सभी लोग एक बैरक में रखो, ऐसे 70। तो क्या कि हम लोग फिर सिगरेट नहीं पियेंगे, तम्बाकू नहीं खाएंगे, ये करेंगे और रात में बैठ के ध्यान करेंगे करके। तो वो आईजी का अच्छा लगा तो हमें ऐसे बैरक दे दी थी। फिर हम लोगों ने ग्रुप शूटिंग लिए, सब कुछ था, टेप रिकॉर्डर लगा के उन्हें कर सकते। इससे अच्छा था कि वो जो गार्ड है ड्यूटी पर वो खुश थे, तो वो केवल प्रवचन सुन के, उसकी ड्यूटी है तो वो बाहर बैठ के प्रवचन सुनते थे, उसने आके कोर्स कर दिया। विश्व के कई देशों की जेलों में उसके लाभदायक परिणामों के कारण विपश्यना सिखाई जाती है।